हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं एक नए तरीके से स्वादिष्ट नाश्ता। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पे बनाने के लिए ले लेना है गेहूं का आटा। तो इसमें मिला देना है नमक और उसके बाद इन्हें पानी डाल करके गूंथ लेना है। और यहाँ पर कढ़ाई में डाल दे रहे हैं पानी गर्म होने के लिए। तो इधर चकई कट करके इन्हें पूड़ी जैसे बेल लेना है सूखा आटा लगा करके। तो हम दो पूड़ी का नाश्ता बनाने वाले हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे बेल लेना है। तो दूसरी को भी हम बेल लेंगे इसी तरीके से। और इधर कुछ सब्जियां कट कर लिए हैं। तो इधर पानी भी उबलने लगा है, तो इसमें हम पूड़ी को डाल देंगे पकने के लिए। इसमें 5 मिनट पका लेना है इन्हें बहुत ही अच्छे से। उसके बाद इन्हें हम छन्नी से छान करके निकाल लेंगे। और उसके बाद इन्हें ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर देखिए, हम थाली में निकाल ले रहे हैं और ठंडा हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम चाकू से इन्हें कुछ इस तरीके से मोड़ करके कट कर लेना है। और दूसरी पूड़ी को भी रोल करके कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से कट कर लेना है। और उसके बाद बनाने के लिए इधर सबसे पहले इंडक्शन पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। और उसके बाद इसमें डाल देना है तेल। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल डाल रहे हैं, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और उसके बाद इसमें डालना है कटी हुई प्याज। और प्याज पक जाने के बाद यहाँ पे हमें डालना है हरी मिर्च कटी हुई तीखा के हिसाब से। तो इन्हें भी चलाते हुए पका लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला धनिया पाउडर। और उसके बाद डालना है पत्ता गोभी और कटा हुआ टमाटर, शिमला मिर्च। उसके बाद इन्हें चला करके थोड़ा सा ढक देंगे पकने के लिए। और पक जाने के बाद डालना है जो पूड़ी को कट करके रखे थे उसी को यहाँ पर मिला देना है। अब डाल देना है मैगी मसाला और नमक। उसके बाद इन्हें मिला देना है और 1 मिनट ढक करके पका लेना है। तो बन जाने के बाद इन्हें हम प्लेट में निकाल लिए हैं और ये खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये सिंपल तरीके का आटे का नाश्ता आपको ये कैसा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पसंद आया हो तो आप लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।